नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। यूपी लोकसभा चुनाव के लिए वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में अमेठी पहुंची बीजेपी से मौजूदा सांसद ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। चुनावी मौसम में अब ये बयान सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने राहुल को निकम्मा बता दिया है। अपने प्रचार में जोर शोर से जुटी स्मृति ईरानी अमेठी में एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान कांग्रेस परिवार और राहुल गांधी पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता द्वारा निकम्मे सांसद को 15 साल तक ढोने की बात कही। क्या बला है वहाँ पर, यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा, जिसने राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहाँ तक तो ठीक था, फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से कहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुए, 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को घेरने में यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने राहुल गांधी पर एक और तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज तक लोगों को मैंने रंग बदलते हुए देखा है, पर कभी किसी को परिवार बदलते हुए नहीं देखा, और लोगों से पूछा क्या आपने देखा है। आप सब कभी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। कोई बदलता अपना परिवार? तो इसीलिए आज आपसे कहने आई, इंसानियत के नाते कहने आई, गांव गांव घर घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। स्मृति ईरानी ने जहां लोगों से फिर से बीजेपी का कमल खिलाने की अपील की, तो वहीं राहुल गांधी पर बरसने में चूकी नहीं। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़े थे। वायनाड में तो वो जीत गए थे, लेकिन अमेठी में उन्होंने स्मृति ईरानी के सामने शिकस्त झेली। वैसे तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अब तक अमेठी से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जबकि राहुल गांधी वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस बार कांग्रेस किसे अमेठी से मैदान में उतारेगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर कांग्रेस प्रियंका गांधी पर दाव लगा सकती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।